तो हे गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल स्मार्ट। सो गाइस, मैंने काफ़ी दिनों पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि अगर आप किसी को कॉल करते हैं और उस वक्त आपके फ़ोन का डिस्प्ले लाइट ऑफ हो जाता है तो आप उसे कैसे ठीक कर सकते हैं। सो गाइस, मैंने वो वीडियो बनाया तो था, लेकिन बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि भाई मेरा तो प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं हो रहा, आप जो वीडियो फेक बना रहे हो। तो भाई, मैंने बोला कि यार मैं फेक वीडियो नहीं बनाता, और यार फेक वीडियो बना के क्या करूँ, क्योंकि मेरे को यूट्यूब चैनल पे ही रहना है और मैं कब तक फेक वीडियो बनाऊँगा। ठीक है, सो गाइस, काफ़ी लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है, तो मैंने सोचा कि मैं एक न्यू वीडियो क्रिएट करता हूँ, तो मैंने ये वीडियो बनाया है। ठीक है, तो गाइस, इस वीडियो में बस आपको यही बताऊँगा कि आप लोग किस तरह से जो है ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड, चलिए आपको बताते हैं। तो गाइस, वीडियो को फुल वॉच करना, ठीक है ना। सबसे पहला मैं आपको बताना चाहूँगा, सो गाइस, अब आपको मैं बताता हूँ कि ये प्रॉब्लम आता क्यों है। तो गाइस, ये प्रॉब्लम आने का सिर्फ दो कारण होता है। पहला कारण दोस्तों जो होता है ना, इसका जो होता है प्रॉक्सिमिटी सेंसर। जी हाँ गाइस, अगर आपके फ़ोन का प्रॉक्सिमिटी सेंसर ख़राब हो गया है तब ये प्रॉब्लम आएगा। ठीक है, अब गाइस, अगर ये भी प्रॉब्लम नहीं है तो दोस्तों दूसरा प्रॉब्लम ये आता है कि आप लोग फ़ोन पे कोई ऐसा सेटिंग कर देते हो जिससे प्रॉब्लम आता हो, तो ये प्रॉब्लम आती है। चलिए, खैर कोई बात नहीं, चाहे जैसे प्रॉब्लम आया हो आपको हम बताएंगे कैसे आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो गाइस, आपको डायल पैड में जाना होगा, ठीक है ना, सिंपल सा डायल पैड में जाना है। ठीक है, वहाँ पे जाने के बाद गाइस, जो मैं आपको बताता हूँ आपको वही फॉलो करना है। अब थ्री डॉट पे यहाँ पे प्रेस करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे थ्री डॉट पे प्रेस करता हूँ। प्रेस करने के बाद गाइस, यहाँ पे एक सेटिंग ऑप्शन है, उस पर चले जाओ। ठीक है, तो यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे देख सकते हो एक ऑप्शन मिलता है कॉल स्क्रीन सेटिंग का, आपको वहाँ पे क्लिक करना है। प्रेस करने के बाद गाइस, यहाँ पे देख सकते हो थर्ड नंबर पे एक ऑप्शन है टर्न ऑन प्रॉक्सिमिटी सेंसर, ये वाला जो है ना गाइस, ये आप लोगों का ऑन होगा। ठीक है, सिंपल सा आप इसे डिसेबल कर दो। डिसेबल करने के बाद गाइस, आप लोगों को जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा ऑटोमेटिकली, तो आप लोग जो है इसे परेशानी से बच सकते हो इस तरह से। ठीक है, आप लोग इसे जो है डिसेबल कर देना। ठीक है, मेरा भी प्रॉब्लम था, मैंने सॉल्व कर लिया। तो इस तरह से आप लोग किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। तब तक के लिए वीडियो में इतना ही, अच्छा लगे तो लाइक करना।